Hey guys, welcome back to my channel Sonali's Life Studio. Hope you all are doing so well. Happy Halloween to everyone. So guys, आज है हेलोइन. तो जो यूएस से है या बहुत लोगों के हेलोइन के बारे में पता है, बहुत लोगों को हेलोइन के बारे में नहीं पता है. तो आज यहाँ पे 31 अक्टूबर हेलोइन सेलिब्रेशन है. तो हमारा फेस्टिवल ऑफकोर्स ये नहीं है, पर हम इसे सेलिब्रेट तो ऐसे मैंने कुछ किया नहीं है, बट बस रिदान को ड्रेसअप करूँगी और उसे ट्रिक एंड ट्रीट के लिए भेजने वाली हूँ. लाइक कैंडीज, लोग बच्चे जाते हैं सबके घर, कैंडीज कलेक्ट करते हैं आज के दिन अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहन के. तो उसके लिए रिधान भी जाएगा. तो रिधान को हो गया है कोल्ड और फीवर, तो ऑफकोर्स मैं भी उसके साथ जाऊंगी सोसाइटीज़ के अंदर. पहले तो हम सोचे थे कि हम किधर मॉल वगैरह भी थोड़ा जाएंगे और बाहर भी थोड़ा जाएंगे ताकि रिधान इस चीज़ को और देखे और इन्जॉय करे. बट अभी उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम बस जो भी कर रहे हैं, बस वो सोसाइटीज़ के सारे घर में जाएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कलेक्ट करके आएगा कल जो भी उसके कलेक्शंस होंगे. तो या गाइस, बहुत लोगों को ऐसा होगा कि ये तो हमारी फेस्टिवल नहीं है, फिर हम क्यों कर रहे हैं. बट मैं यूएसए में रहती हूँ और यूएसए का ये एक फेस्टिवल है जो सब लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ के कल्चर भी अपने बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें यहीं रहना है अभी. तो उनको ऑफकोर्स सब सारे कल्चर्स के बारे में पता होना चाहिए. ऐसा पर्सनली मैं मानती हूँ कि हमें ईद हो, मतलब जो भी फेस्टिवल हो, सब चीज़ सेलिब्रेट करना चाहिए. ऑफकोर्स मैं बहुत सारी फेस्टिवल नहीं करती हूँ, पर जो हो सकता है वो कर सकते हैं. एंड जिस कंट्री में रहते हैं ऑफकोर्स उस चीज़ की तो फेस्टिवल के बारे में पता होना चाहिए. तो इसलिए मैं रिधान को भेज रही हूँ ट्रीट के लिए. तो उसके साथ मैं भी जाऊंगी और उसके वीडियोस बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि उसने कितने सारे कैंडल्स जमा करती, देखती हूँ कितने सारे कैंडल्स उसे मिलते हैं. तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसकी कलेक्शन. लेट्स गो गाइस. और एक चीज़ मैं बोला भूल गई, ये वीडियो जो आएगी वो 2 दिन आएगी हेलोइन पर, क्योंकि रिधान के स्कूल में भी सेलिब्रेशन थे. तो उसका वीडियो अलग आएगा और जो उसने जो सोसाइटीज़ के अंदर कलेक्शन किए उसका वीडियो अलग आएगा, क्योंकि एक साथ डालूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. पर इसी वीक आएगा तो अलग अलग दिन पे आएगा. तो स्टे ट्यून्ड विथ मी गाइज एंड एंजॉय द वीडियो. सो गाइज, इनका स्टार्ट हो गया है ट्रीट लेना और ये इन्होंने बहुत अच्छे अपने पूरे घर को हेलोइन बना दिया था और रिधान अच्छा फील ही कर रहा था. बट वो फिर थोड़ी देर पे चार्ज हो गया और अच्छे से फिर उसने बहुत कैंडी बट शुरू के एक दो घर उससे बहुत लोग रिधान एंड रूप लुक एट हियर गो गो दे विल गिव यू कैंडी काफ़ी लोग कैंडी देने के लिए बच्चों को बाहर बैठे थे और अच्छे से बहुत अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने. जो भी लोग अपने घर पे नहीं थे वो हेलोइन सेलिब्रेट करने कहीं गए थे तो वो अपने घर के बाहर रख दिया था. एंड ये घर में हम फिर से आ गए क्योंकि बहुत डेकोरेशन अच्छा किया था इन्होंने. लोग भी, बड़े बड़े लोग भी जो थे वो इन्जॉय कर रहे थे, ऐसे ही कुछ अपने कॉस्ट्यूम्स पहन के बड़े लोग भी घूम रहे थे जिस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करके गर्ल्स ऑफ कोर्स प्रिंसेस बनती हैं. एंड इंडियंस भी यहाँ पे बच्चों को कैंडी देते हैं, सब लोग देते हैं बच्चों को कैंडी, तो बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं. तो आपको कैंडी यहाँ रखना ही है, हमने भी रखा था, हमने भी बच्चों को दिया. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकन्स देते, इंडियंस भी बच्चों के लिए रखते हैं यहाँ पर. तो अच्छा लगता है, बच्चे इन्जॉय करते हैं. बेसिकली हेलोइन में पम्पकिंस के फेसेस, वियर फेसेस बना के रखे जाते हैं और उसके अंदर कैंडल जलाया जाता है एंड कैंडी स्ट्रीट दिया जाता है बच्चों को.
और अब लोग ज़्यादा डेकोरेट करना चाहते हैं, इसलिए वो तरीके तरीके के चीज़ ला के डेकोरेट करते हैं। एंड धान फुल चार्ज हो गया, उसके हाफ बकेट भर चुके थे और एक भी घर इन्होंने नहीं छोड़ा, हर एक घर से इन्होंने लिया। हैप्पी हैलोवीन। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक बहुत एजेड आंटी थी जिन्होंने बच्चों के साथ फ़ोटोज़ भी क्लिक कराए, वो स्पेशली उठ के, और वो बिल्कुल कॉस्ट्यूम के साथ रेडी थी और उठ के बच्चों को कैंडी दिए, फिर फ़ोटो सेशन भी कराए, बहुत अच्छे थे। और लग नहीं रहा था, हमें तो लग रहा था कि वो इतनी बूढ़ी है, बाहर आ रही है, तो अच्छा नहीं लग रहा था, बट शी इज़ वेरी हैप्पी। एंड देखो आप लोग की उन्होंने फ़ोटो भी बहुत अच्छे से कराए और बच्चों को बहुत सारे कैंडीज भी दिए। हमारे बच्चे इतने शरीफ थे, वो सब जगह सिर्फ चुपचाप से एक एक कैंडीज ले रहे थे, बट काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे जो पूरे भर भर हाथ ऐसे उठा ले रहे थे कैंडीज, और उनके बैग तो बड़े बड़े बैग्स पूरे फुल हो गए थे। एंड अब हम आ गए हमारे घर पे, तो राजेश ने ना अंदर से ही बच्चों को सबको दे दिया, वो बाहर जब तक आते तब तक रिधान सबको लेके अंदर चले गया, तो वो सबको वहीं पे सबको दे दिया कैंडी। डेकोरेशन सबने अच्छी की है ना, थोड़ी थोड़ी पर की है। Say happy Halloween. It's banana cake. No, it's apple. Oh, sorry, I forgot. It's apple cake. But that's it. Taste it. Oh, it's floppy. How's the taste? It's apple. Nice. Okay. Thank you so much, Rita.